और सच्ची बात यह है कि हम तो अखबार में देख पढ़ते हैं, टीवी में सुनते हैं, लोगों से समझते हैं कि क्या हालत है किसान की। आप तो भुक्त भोगी हो, आपको तो पता है क्या कर दिया सरकार ने, किसानों को बर्बादी के कगार पे खड़ा कर दिया। जेब खाली हो गई, रोजगार नवयुवकों के खत्म हो गए, पकौड़ा बनाओ पकौड़ा, या नाली में नली डाल के चाय बनाओ, ये मोदी साहब रोजगार पैदा कर रहे हैं। तो मैं तो आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूं। 15 लाख आ गए बैंक अकाउंट में, अभी तक नहीं आए, आने वाले हैं, अब चुनाव आ रहा है, नहीं आएंगे? 2 करोड़ नौकरी हर साल नवयुवकों को मिलेगी, यहां बहुत नवयुवक होंगे, और नवयुवक इतना खुश हुआ, पागल हो गया मोदी के लिए। मोदी आया और 2 हफ्ते में अपॉइंटमेंट लेटर आया, ये सोच रहे थे ना, पेड़ पे चढ़ चढ़ के, खंभों पे चढ़ चढ़ के, हर हर मोदी, घर घर मोदी, यही नारा था ना। क्यों भैया, रोजगार खत्म रहे से जो रोजगार थे, बल्कि नोटबंदी ने सब रोजगार खत्म कर दिया। एक अजीब बात और है, लोग कहते हैं मोदी झूठ बोलता है, मनुष्य भी कह रहे थे मोदी झूठ बोलता है, मैं कहता हूं मोदी सच नहीं बोलता। बता दो एक सच बोला इसने कभी, इसे फर्क ही नहीं पता झूठ क्या है और सच क्या है। बचपन से प्रचारक था और आज भी प्रचार कर रहा है, सच से इसको कोई मतलब नहीं। आय दुगनी कर देगा, योजना कोई नहीं है, तो इसलिए ये मौका आपको मिलने वाला है। प्रजातंत्र में यही खूबी है, अगर कोई राजा और बादशाह खराब निकल जाए तो जिंदगी भर सहना पड़ेगा। प्रजातंत्र की ये खूबी है कि अगर प्रधानमंत्री गलत मिल जाए तो 5 साल में उसकी छुट्टी करने का अधिकार आपके पास है। छुट्टी करोगे ना? मैं आजकल अखबार में बहुत पढ़ रहा हूं कि आप ये जो गाय बैल और बछड़े और बुल घूम रहे हैं, इनको आप लोग स्कूल कॉलेज में बंद करने का काम कर रहे हो। मुझे लोग कहते हैं कि ये मोदी योगी घूम रहे हैं, सच है क्या? कुछ तो लोग तो ये भी कहते हैं बड़ी हट्टी कट्टी गाय आ गई, स्मृति ईरानी भी घूम रहे हैं। लेकिन एक हिसाब आप विश्वास मत करिए जो बोल रहे हैं। मोदी आज तक 70 साल में किसी प्रधानमंत्री ने कोई काम देश में नहीं किया, मोदी के अलावा किसी आदमी ने कोई काम देश के लिए नहीं किया। पुलिस ने बनवाए है, ट्रेन इसने चलवाई है, सड़कें इसने बनाई है, किसानों को पैसा इसने दिलवाया। अगर श्रीलंका चला गया होता ना तो लौट के कहता रावण को भी मैंने मारा था। सारा काम देश में इसने किया है और किसी ने कोई काम नहीं किया है। बोलने को तो बहुत कुछ है, बिजली के रेट का सवाल है, महंगाई, डीजल का रेट इतना ज्यादा कभी नहीं हुआ,